नमस्कार, आप सबका स्वागत है। IPL के 11वें सीजन की नीलामी से पहले अलग अलग फ्रेंचाइजियों ने रिटेन किए गए खिलाड़ियों के नाम जारी कर दिए हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने चौंकाने वाले फैसले किए हैं। KKR ने टीम को दो बार चैंपियन बनाने वाले कप्तान गौतम गंभीर को और RCB ने T20 इतिहास में सबसे ज्यादा रन, सेंचुरी, चौके और छक्के जमाने वाले क्रिस गेल को रिटेन न करने का फैसला किया है। हालांकि ये टीमें इन खिलाड़ियों को अभी भी 27 और 28 जनवरी को होने वाली नीलामी में राइट टू मैच कार्ड के जरिए अपने साथ जोड़ सकती हैं। मुंबई इंडियंस ने कप्तान रोहित शर्मा, हार्दिक पंड्या और जसप्रीत बुमराह को रिटेन किया है। चेन्नई ने धोनी, रैना और जडेजा को बरकरार रखा है। टीम इंडिया के साथ ही IPL टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान विराट को 17 करोड़ रुपए की सैलरी दी जाएगी। विराट इकलौते खिलाड़ी हैं जिन्हें रिटेन किए जाने के एवज में हुई कटौती से ज्यादा सैलरी मिलेगी। इसके साथ ही विराट IPL के इतिहास में सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। टॉप खिलाड़ी का रिटेनिंग अमाउंट 15 करोड़ रुपए था, लेकिन विराट की टीम उन्हें 2 करोड़ रुपए ज्यादा देगी। हर टीम के लिए 80 करोड़ रुपए सैलरी कैप निर्धारित की गई। इसमें रिटेन किए गए खिलाड़ियों की संख्या और टाइप, इंटरनेशनल खेला या नहीं, के लिहाज से कमी हुई। गौतम गंभीर को 2011 में कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा था। इसी साल टीम को उन्होंने टॉप 4 में पहुंचा दिया। अगले ही साल उन्होंने टीम को पहली बार चैंपियन भी बना दिया। दूसरा मौका 2014 में आया जब KKR चैंपियन बनी। KKR IPL की सबसे कंसिस्टेंट टीमों से एक है। विराट कोहली IPL की शुरुआत से ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम है। 2008 में उन्हें इस टीम ने खरीदा था। 2012 के सीजन में कुछ मैचों में उन्हें कप्तानी भी दी गई। 2013 से वो टीम के फुल टाइम कप्तान बन गए। 2014 के IPL ऑक्शन में टीम ने उन्हें रिटेन किया और तब से वो इसी टीम के साथ है। इंटरनेशनल क्रिकेट में लगातार अच्छी परफॉर्मेंस के बाद भी विराट कभी अपनी IPL टीम को चैंपियन नहीं बना सके।